हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी करे आप लोग के घर आए और हम लोग को गिफ्ट में हम सारे न्यू यूट्यूबरों का जो है ना वो चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो वेट करते हैं कि माँ हमें कब गिफ्ट देती हैं। तो आज का दिन तो आपको पता चल ही गया धनतेरस का है। तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो अभी देखिए बच्चे जो हैं वो उठ गए हैं और सुबह के अभी 7:30 या 8 हो रहे होंगे और मैं नहा ली हूँ और पूजा वगैरह भी मेरी हो गई है। तो सबसे पहले मैं बेड क्लीन कर देती हूँ और रुपेश है वही जो है सूट कर रहा है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, खाना भी बना लूँगी क्योंकि आप लोग को पता है कि धनतेरस के दिन बहुत सारा काम होता है, मार्केट जाना होता है, शॉपिंग करनी होती है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ और यहाँ मैं सोया बड़ी फुला देती हूँ। मैं सोया बड़ी की ही सब्जी आज बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी करे, कुबेर जी करे और धनवंतरी देवता करे कि आप लोग के घर पे आए और हमेशा के लिए वो आप लोग के घर पे ही रह जाए। और अभी मॉर्निंग का समय हो गया है, आज धनतेरस का दिन है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी जो है लंच बना लूंगी। बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया है, इनको चपरास खा चुके हैं, मिठाई पानी पी चुके हैं और ब्रेड चाय ये लोग पी चुके हैं। तो अभी मैं जल्दी से खाना बना लूंगी, फिर आज मार्केट जाना है और देखती हूँ मार्केट में क्या। बर्तन तो वैसे सब कुछ है, बर्तन की तो कोई जरूरत नहीं है, पर सोच रही हूँ एक पीतल की छोटी सी थाली लूँ कि पूर्णिमा पे जब मैं व्रत रहती हूँ ना तो बड़ा थाली मुझे निकालना पड़ता है चंद्रमा बनाने के लिए। और याद के भी छवि चाय पी रही है तो इसीलिए सोच रही हूँ कि क्या ज्यादा कुछ नहीं, बस वही ले लेती हूँ। और आज शायद मैं वो मॉप वाला पोछा लूंगी। 5:30 बजे उठी थी और ट्राईपोड खराब होने की वजह से ना मैंने बच्चों को भी नहीं जगाया कि अगर रुपेश होता ना तो वो वीडियो शूट कर लेता, पर मैं सोच रही थी कि बच्चों को क्या डिस्टर्ब करूँ। अभी ठंडी भी लग रही है, काफी ठंडी। ये देखिए मैंने ये हल्की वाली जैकेट भी पहन ली है, मुझे ठंड बहुत लगती है तो इसलिए। और हमारा घर जो है ना थोड़ा आउट में है तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा लगती है। और देखिए मैंने बाल भी धो लिया है क्योंकि आज धनतेरस था, पूजा करना था, मंदिर में साफ कर लिया। और पूजा करते समय तक बच्चे सोए हुए थे इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं, वरना अगर रुपये सूटता ना तो वो मेरी हेल्प जरूर करता, कुछ नहीं तो वो वीडियो शूट तो कर ही लेता। तो चलिए अभी चलती हूँ किचन में, आज सोया बड़ी की सब्जी बनेगी और रोटी चावल से बनाऊंगी। और हस्बैंड अभी गए हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए। मैंने बोला कि धनतेरस के दिन आप जो भी काम करेंगे ना वो माना जाता है कि आप साल भर करेंगे, तो इसलिए मैंने उनसे बोला कि ठीक है जाइए आप और सब्जियां कुछ लेके आइए हरी। तो मंडी गए हैं, अभी वो आते हैं और अभी मैं चलती हूँ किचन में। चलिए आप लोग को ले चलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे रूम का कारपेट था ना उसे मैंने कट करके यहाँ पर लगा दिया है, जैसे कि खाना वगैरह बनाते समय ना यहाँ पे पैर में ठंडक लगती है ना, तो उसके लिए मैंने इसे यहाँ बिछा दिया है। और अब यहाँ पे आराम से मैं देखिए बिना नंगे पैर में इस पे चल सकती हूँ आराम से। और पूरा किचन नहीं, बस इतना ही। और यहाँ तो वाश करने के लिए ये वाला है ही, यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ फिर वाश करती हूँ बर्तन। तो अभी देखिए मैंने सब्जियों को कट कर लिया है, प्याज, आलू और लहसुन, टमाटर आज नहीं, अभी हस्बैंड लेके आते हैं तो फिर तब तक सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। मंडी ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे सोया बड़ी जो है वो फूल गई है तो अभी मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। चलिए तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं ना सोया बड़ी को फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई नहीं सौते कर लूँगी। और हल्का सा ये ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो गया ये देखिए, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, मतलब बाहर में गई थी मैं। तो यहाँ देखिए कुकर में मैंने तेल गरम कर लिया है सरसों का और 2 तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, जीरा, ये सबसे मैं खड़े मसालों से तड़का लगा देती हूँ। और अभी मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। और मसाले में मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन यही पीसा है बस। तो मैं इसे डाल देती हूँ मसाले को और फिर इसमें रूटीन मसाले डालूंगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता है क्योंकि तीखे के लिए मैंने ग्रीन चिल्ली जो है उसका पेस्ट बना लिया था, और स्वाद के अनुसार नमक। और अब इसे एक साथ मिक्स करके भूनती रहूंगी जब तक कि तेल जो है ना वो रिड्यूस ना हो जाए मसालों से।
और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं हींग हर सब्जी में डालती हूँ, और ज़्यादा निकल गया था, मैंने पूरा नहीं डाला, ज़्यादा निकल गया था। तो अभी देखिए मसाला जो है भुन गया है, और ये बहुत टेस्टी लग रहा था देखने में ही, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा था। और जब तक मसाला भुनेगा ना, तब तक मैं जल्दी जल्दी से आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देख रही थी बच्चे डिब्बे जो थे ना इधर उधर बिखरा दिए थे, वो लोग कुछ भी सामान छूते हैं तो वो सब ऐसे ही करते हैं, बच्चे हैं, तो वही सब मैं सेट करके अब फिर मैं आटा गूंथने लगी थी। जब तक मैं आटा गूंथ रही थी, तब तक मसाले भी अच्छी तरीके से जो है वो ऑयल छोड़ दिए थे, ये देख सकते हैं आप। अब मैं सोया बड़ी और आलू इसमें डाल दूंगी, और फिर इसमें गरम मसाला, मैंने थोड़ा सब्जी मसाला लिया है बाहर वाला मार्केट का, अशोक की एवरेस्ट वाला है। तो अब मैं सारे मसालों को मिक्स करके और 2 मिनट छोड़ी थी, फिर टमाटर मैंने डाल दिया था। और यहाँ हस्बैंड भी आ गए हैं सब्जी लेकर के, अभी खाना जब मैं बना लूँगी ना तो फिर मैं सब्जी भी लगा दूँगी फ्रिज में सारी सब्जियों को। तो मैंने पानी डाल दिया है, आपके घर में जितने सदस्य होंगे उस हिसाब से आप पानी ऐड करिएगा। और अब मैं इसका लिड लगा दूँगी, और दूसरी साइड में मैं रोटी भी बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा तो फिर मुझे मार्केट जाना है। और हाई फ्लेम पे छोड़ दिया फ्रेंड्स मैंने, और 2-3 सीटी जब आएगी ना तो सब्जी अच्छी तरीके से बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैं सब्जी को भी जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, बहुत फास्ट मैं काम कर भी रही थी, थोड़ा एडिट भी किया था और फास्ट कर भी रही थी, क्योंकि जब कोई काम होता है ना, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा काम जब दिखता है कि बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है, तो मेरा स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो यहाँ सारी सब्जियों को मैं लगा दूँगी और फिर हस्बैंड के साथ चली जाऊँगी मार्केट। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। इस समय मैं किसी की वीडियो पे जा नहीं पा रही हूँ, आप समझ सकते हैं कि इतना काम है और तबीयत भी ख़राब है, तो मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ फिर काम करती हूँ। इसलिए अभी के लिए मैं सभी फ्रेंड्स से अपने सॉरी बोल रही हूँ, और जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, जल्दी सारे काम हो जाए तो मैं सबके वीडियो पे जाऊँगी। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ अनसब्सक्राइब बार बार आप लोग मत किया करिए, अनसब्सक्राइब कर देते हैं ना तो बहुत ही बुरा लगता है, मेरे साथ इस समय यही हो रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड अनसब्सक्राइब मत किया करिए। और अभी देखिए सारी सब्जियों को मैंने लगा दिया है, और अभी मैं रख लूँगी, फिर किचन क्लीन कर दूँगी और बच्चों को नाश्ता करा के फिर मैं चली जाऊंगी मार्केट। तो फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना हो गया है, और हल्का ये भी खाना, रोटी सब्जी खाया, चावल वगैरह तो मैं खा नहीं रही हूँ, और हस्बैंड भी नहीं खाए हैं। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खरीदी कर रही हूँ धनतेरस पे। तो चलिए अभी चलते हैं। छवि भी साथ जा रही है पर रूपेश नहीं जा रहा है, देखिए ये गुस्सा होकर बैठा है कि आप छवि को लेकर हर जगह चली जाती हैं, मुझे नहीं लेके जाती हैं। कल जाएगा दादी घर पे, जाएगा अपने, और मैं घर पे रहूंगी क्योंकि गाड़ी पे हम 4 जन्म नहीं आते हैं। तो क्यों, तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ धनतेरस पे। तो चलिए, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही है, और आधा वीडियो आपको धनतेरस पूजा का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। Thanks for watching.